ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। एक तरफ शहर में बिजली प्राइवेट को लेकर हंगामा मचा हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ शहर में बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। लगातार 6 से 8 घंटे बिजली काटी जा रही है। मुमरा के आनंद कोलीवाड़ा, किस्मत कॉलोनी, चांद नगर, ऐसे कई इलाके हैं जहां बिजली गायब है। बिजली के बारे में लोगों ने बताया कि इस तरह से बिजली काटी जा रही है कि पूरी रात बिजली नहीं है। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई में भी कठिनाई हो रही है। पानी की समस्या भी मुमरा में सबसे ज्यादा है, मगर बिजली की वजह से लोग पानी भी नहीं भर पा रहे हैं। लोगों ने बताया कि महावितरण कार्यालय में बिजली की समस्या को लेकर फोन भी किया गया, मगर फोन का जवाब नहीं मिला। यानी कि महावितरण के कर्मचारी और अधिकारी कितने लापरवाह हैं कि कस्टमर को बिजली क्यों नहीं आ रही है इसकी जानकारी भी नहीं दे रहे हैं। पूरा मुमरा शहर लगभग वो भी बारिश के महीने में अंधेरे में रहने को मजबूर है। हैरानी तो इस बात से भी होती है कि जनता जिसे चुन कर लाई है वो भी बिजली कटौती पर खामोश है। यानी कि बिजली विभाग से लेकर जनप्रतिनिधि कोई भी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। बिजली समस्या की मार झेल रहे लोगों ने क्या कुछ बताया है। बिजली अभी तकरीबन 12-15 घंटे के ऊपर हो गया। बिजली का लाभ पता है कोई पता नहीं कि कब आएगी, और शायद अब आई थी वो भी चली गई, और हम लोग काफ़ी परेशान हैं। बच्चों की पढ़ाई का प्रॉब्लम है, घर में फ्रिज का वो प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम है, स्कूलों का प्रॉब्लम है, यानी हर तरफ से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। कल रात में 10 बजे से बिजली गई हुई है और अभी तक बिजली आई नहीं है। अभी इस समय 3 बज गया है और बिजली का कोई पता नहीं है। 5 मिनट के लिए आई, फिर चली गई। ठीक है, इसकी वजह से पानी का भी प्रॉब्लम चल रहा है। बिजली नहीं है तो पानी नहीं आएगा तो लोग परेशान हैं। 15 घंटे से बिजली नहीं, बच्चों लोग का जो होमवर्क है जो स्कूल में दिया जाता है वो कुछ भी नहीं हो रहा। अभी अंधेरे में क्या करेंगे बच्चों लोग। खाना पकाने का भी टेंशन है, खाना कैसा पकाया जाए, पानी नहीं है, नमाज के लिए भी टेंशन होती है, नमाज भी लाइट ही नहीं है मस्जिद में तो कहाँ से नमाज पढ़े। तो ऐसा मसला आता है, लेकिन अब क्या करें, अभी झेलना है, पब्लिक को झेलना है और क्या करें। ये सब अपने वोट लेके बैठ जाते हैं, हाँ करेंगे बस, अब कुछ करेंगे। MLA साहब भी ऐसे हैं, नगर सेवक भी ऐसे ही हैं, अब करना तो क्या करें, पब्लिक को भुगतना है। 24-25-26 घंटे से लाइट नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। इन्वर्टर ना रहे तो इंसान मर जाएगा, इतनी गर्मी, ऊपर से इतनी बारिश है। कल तो सारा दिन लाइट नहीं, इन्वर्टर चल रहा है ना, मोबाइल सब कुछ बंद है, कुछ भी, हर चीज़ से बहुत ज़्यादा ही परेशानी है। ऊपर से लाइट भी इतनी ज़्यादा आती है कि ऐसा लग रहा है कि हम लोग कितनी AC चला रहे, कितना वो कर रहे हैं। सबकी सब परेशानी है ना, बहुत ज़्यादा ही है, हद से ज़्यादा परेशानी है। ये नहीं कि थोड़ी बहुत रहे, एक घंटा जाए, दो घंटा जाए तो समझ में आता है। 12-12, 13-13 घंटा, 24-24 घंटा लाइट जा रही है, इसमें कुछ हद से ज्यादा मसला है ना। रात 9 बजे की लाइट गई, अभी तक लाइट नहीं आ रही है, इन्वर्टर भी बंद हो चुका है। कल तो लाइट ही नहीं थी पूरा सारा दिन, रात भर लाइट नहीं, दिन में लाइट नहीं, कितनी परेशानी हो रही, लाइट की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। बिजली ना होने की वजह से पानी की भी समस्या आ रही है। हाँ, पानी की भी तकलीफ हो रही है, पानी भी बराबर नहीं है। सैटरडे को पानी नहीं रहता, फ्राइडे को पानी नहीं रहता, कितनी तकलीफ है पानी की भी, बिजली की वजह से। हाँ, लाइट की वजह से, लाइट भी। आप लोगों ने क्या MSB में कॉल किया था इसको बिजली को लेकर कि लाइट नहीं आ रही हमारे यहाँ? हाँ, किए थे, कॉल भी किए थे, उसका कोई आंसर ही नहीं आया, कोई जवाब ही नहीं आया उसका, तो कोई फोन नहीं उठाता। सब चीज का टेंशन है ना, सब हर चीज का प्रॉब्लम है। क्या एक तरफ बिजली ना होने से लोग परेशान है तो वहीं दूसरी तरफ बिजली की कटौती पर जनप्रतिनिधि चुप्पी साधे हुए हैं। आखिर क्यों, क्या जनता द्वारा चुने गए नेता खामोश क्यों हैं? क्या जानबूझकर बिजली काटी जा रही है कि बिजली निजीकरण हो सके? क्या जनता द्वारा चुने गए नेता जनता की तकलीफों पर आवाज नहीं उठा सकता? आखिर नेता चुप क्यों हैं? वहीं जब हमने बिजली शहर में 6-8 घंटे काटी जा रही है कलवा मुमरा के महावितरण के अधिकारी हुंडेकरी से जानना चाहा तो उन्होंने बारिश में तकनीकी खराबी का हवाला देते हुए फोन काट दिया। इस्लामुद्दीन खान बोल रहा हूँ प्रहार टाइम से। हाँ बोलो सर। ये बिजली का जो चल रहा है 6-6 घंटा 7-8 घंटा बिजली एरिया से गायब है, तो क्या मामला है ये? मैं वो प्रॉब्लम था, वो अपना डूंगर के ऊपर लाइन गिरा था। हाँ। कल बारिश की वजह से। ओके,
सुना आपने कितनी जल्दी है इन्हें फोन रखने की, 102 मिनट ये जनाब फोन पर सवालों के जवाब नहीं दे सकते और जनता को 6 से 8 घंटे अंधेरे में रहने को मजबूर किया जा रहा है। महावितरण के अधिकारी हुंडीकरी ने तकनीकी खराबी बताई है। बहरहाल कब बिजली व्यवस्था ठीक होगी या फिर इस तरह की कटौती पर जनप्रतिनिधियों की आंख खुलेगी या फिर नहीं, तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम।